औरंगाबाद में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। फरुखाबाद में घर के आंगन में फांसी के फंदे पर एक महिला का शव झूलता हुआ मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। सुमित ने घटना की जानकारी शाम मऊ दरवाजा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने खुदकुशी किए जाने की घटना जताई है, जबकि सपना के मायके वालों का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और बेटी को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। ससुराली जनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मऊ दरवाजा क्षेत्र के टीका नगला निवासी 46 वर्षीय सपना देवी शाके का शव शाम घर के आंगन में झाल में साड़ी के फंदे पर झूलता मिला। सुमित ने मऊ दरवाजा पुलिस को सूचना दी। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। सपना देवी के पति राम अवतार शाके और तीनों पुत्र बाहर गए थे। बताया गया कि महिला ने खुदकुशी की है। थाना अध्यक्ष जेपी शर्मा ने बताया महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही होगी। गोपीनाथ फरुखाबाद, समाचार 24। नाम है आपका? क्या नाम है? क्या मामला हुआ है आपकी बहन के साथ? मार डाला था। किसने? कोई बातचीत हुई थी क्या? पता नहीं, ये तो कोई जाने। बातचीत पहले बहुत हुई। क्या नाम है माता जी आपको? कृष्णा। ये सपना कौन थी आपकी? मेरी बिटिया। क्या हुआ आपकी बिटिया के साथ? बिटिया को